people there are being forced to get liver transplants because of some so called herbal and dietary supplements many of these products promise muscle gain or weight loss what they don't tell you is that they can also land you in hospital तो देखा आपने किस तरीके से न्यूज़ में भी ऐसी बातें की जा रही हैं कि भई डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने से प्रोटीन पाउडर्स लेने से विटामिन सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं आपका लिवर खराब हो जाता है डैमेज हो जाता है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो इसी चीज़ पे है कि क्या सप्लीमेंट्स इतने खराब हैं कि भाई उसको लेने से आप बीमार पड़ जाते हो क्या है रियलिटी क्या है फैक्ट क्योंकि ये न्यूज़ में जब ऐसी बातें सुनते हो ना कई सारे लोग इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आज अपने चैनल में ये सारी चीजें बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा राइट सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वेलकम बैक गाइज दिस इज जीत सलाल हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमैल स्टैलियन लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो so गाइस सबसे पहले ही तो बात समझिए कि इस तरह की बातें जब न्यूज़ में होती हैं तो इससे क्या होता है इससे एक तरीके की कहते हैं ना फेयर मॉन्गरिंग अफवाह फैलती है डर लग जाता है लोगों को कि यार सच में ऐसा होता है कि सप्लीमेंट लेने से बट इन रियलिटी ये जो चीज़ें हैं न्यूज़ में बोली गई हैं ये थोड़ी आधी अधूरी सी इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली ऐसे लोग हुए होंगे जिनकी लिवर में प्रॉब्लम हुआ होगा कुछ सप्लीमेंट्स लेते हुए और हॉस्पिटलाइज भी हुए होंगे लेकिन बात पूरी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली चीज क्या ये लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए लीवर में जिनके डैमेज हुआ क्या वो किसी तरीके की पहले मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे थे किसी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आम इंसान जो हेल्दी है जिसको कोई बीमारी नहीं है मेडिकल कंडीशन नहीं है वो अगर सप्लीमेंटेशन का यूसेज करता है थ्रू थ्रू आउट द लाइफ और किसी एक्टिव लाइफ स्टाइल में होते हुए या सेडिटरी लाइफ स्टाइल होते हुए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन मेडिकल कंडीशन वालों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है वो तो किसी भी चीज़ में हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है डायबिटीज है और आप बहुत ही शुगरी फ्रूट्स खा रहे हो बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हो तो भी आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा राइट आपकी बीमारी और बढ़ सकती है आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है और आप ज़्यादा अंडे खाते हो एग्स खाते हो घी ज्यादा खाते हो तो आपको बीमारी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की और उससे आपको हार्ट अटैक ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है सो so, बात यह नहीं है कि, कि किस इंसान ने क्या कंज्यूम किया बात यह है कि किस इंसान ने कितना कंज्यूम किया और क्या उसको प्रीवियस कोई भी बीमारी थी ऐसी मेडिकल इश्यूज थे दूसरी चीज नंबर ऑफ पीपल अगर हजारों लाखों लोगों में से एक या दो इंसान इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरते हुए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो क्या सारे के सारे लोग जो ऐसा यूज कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए नहीं ऐसा नहीं होता है अगर आप इस मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वहां पे डॉक्टर को कंसल्ट करना डायट्री सप्लीमेंट्स लेते हुए भी जरूरी हो जाता है ये जो डायट्री सप्लीमेंट्स होते हैं ये डायट्री सप्लीमेंट्स हैं यानी कि आपके डाइट को पूरा करने वाले डाइट को रिप्लेस करने वाले नहीं होल फूड्स की जगह अपनी जगह पे है रोटी दाल सब्जी पनीर चिकन एग्स ये अपनी जगह पे होंगे ही होंगे लेकिन आप सप्लीमेंटेशन से अपनी प्रोटीन की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जैसे कि विटमिन मिनरल्स वो पूरी कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती एक हेल्दी इंसान को अब स्पेसिफिकली अगर बात करें प्रोटीन पाउडर्स की वे प्रोटीन पाउडर्स की तो भाई वे प्रोटीन पाउडर आपका एक माइक्रोन्यूट्रियट है प्रोटीन उसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स ही मिल रहे हैं जो आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है आपका जो ये मसल है ये कोई भी दिन भर की एक्टिविटी करते हुए न सिर्फ वेट ट्रेनिंग बल्कि आप वॉक कर रहे हो चल रहे हो ऑफिस जा रहे हो तब भी ये मसल्स आपके ब्रेक होते हैं डेली बेसिस में इनको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है वो कैसे होते हैं आपके अमीनो एसिड से जो आपको प्रोटीन से मिलता है अब वो प्रोटीन आप चाहे दूध से लें दही से लें एग से ले चिकन से लें या वे प्रोटीन से लें बात सेम है अमीनो एसिड ही उसके अंदर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ साथ आपका जो ये प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये आपके एंजाइम प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करता है किस लिए चाहिए आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं एज अ कैटलिस्ट वो काम करता है uh, इस्तेमाल कर पाए बॉडी उसमें हेल्प करता है आपका एंजाइम और वो प्रोटीन से बन रहा है उसके साथ साथ प्रोटीन का काम हार्मोन प्रोडक्शन में भी है हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन राइट इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है ग्लूकोज जो बनता है आपकी बॉडी में जब आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज को उसकी एक्टिव साइट्स तक लेके कौन जाता है इंसुलिन राइट उसका ड्राइवर है वो कैब ड्राइवर वो उसको लेके जाता है वहां तक अगर आपका कैब ड्राइवर ही नहीं होगा आपके पास तो वो ग्लूकोज व एनर्जी आपके सेल्स तक पहुंचेगी कैसे सो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए आपको लेना ही लेना है प्रोटीन अमीनो एसिड्स को उसके साथ साथ सीक्रेटिन नाम का एक और हार्मोन होता है जो बहुत जरूरी है आपके डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करने के लिए खाना जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जूसेस बनते हैं पेट में वो नहीं बनेंगे अगर प्रोटीन आप आ, सही अमाउंट में नहीं लोगे तो अब प्रोटीन की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो उसको आधा किलो एक किलो नहीं खाना होता राइट right? इसकी डोसेज होती है एक समझदार इंसान एक सभ्य इंसान जिसके पास दिमाग होता है वो क्या करता है कि पीछे लिखी हुई जो डोसेज की नोट होती है ना उसको पढ़ लेता है एक बार कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट कितना है दिन भर में अगर मेरा रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 120 ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो उसके हिसाब से मैं अपनी डाइट का एक छोटा सा हिस्सा इससे ले लेता हूँ यानी कि 25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन इससे ले लेता हूँ वे प्रोटीन पाउडर से बाकी मेरी वराइटी ऑफ डाइट जो है फूड सोर्सेज चिकन एग्स अंडे दूध दही इससे आ रहा है तो ये ध्यान में रखना है भाई ओवर लिमिट नहीं करनी है ओवर तो आप कुछ भी खाओगे ना बादाम भी एक एक किलो खा जाओगे तो उसमें भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा आपको अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हम करते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं हमें किस तरीके से ख़रीदनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं कौन से सप्लीमेंट जेनवन है और कौन से ब्रांड को परचेज़ करना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग क्या गलत ब्रांड चूज़ कर लेते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती लेबल पर कुछ लग, लिखा होता है अंदर कुछ और होता है क्वालिटी वो नहीं होती तो इन चीज़ों के लिए एक बेसिक रूल समझ लो सबसे पहले तो ब्रांड की हिस्ट्री चेक करो कि भाई ब्रांड कितने टाइम से काम कर रहा है क्या कंसिस्टेंसी है 2000 यू नो 12 में कैसे प्रोडक्ट्स बनाता था 2015 में कैसे बनाता था और 2021 में कैसे बना रहा है क्या चेंजेस हुए हैं कंसिस्टेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रांड की वैल्यू क्या है कितनी बड़ी कंपनी है राइट right? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसके साथ साथ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करा करता है रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं आप इंटरनेट पर जाओगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ब्रांड सिलेक्शन करते हुए किसी भी सप्लीमेंट के लिए वे प्रोटीन हो प्रोटीन पाउडर चाहे आप वल्टी हो क्रिएटीन हो कुछ भी आपको ये चीजें बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि आपको ये जानना जरूरी है कि जो सप्लीमेंट आप खरीद रहे हो कहां से खरीद रहे हो स्टोर से खरीद रहे हो ऑनलाइन खरीद रहे हो कहां से परचेस कर रहे हो क्योंकि ज्यादातर गलतियां इंसान तब करते हैं जब वो सप्लीमेंट गलत जगह से खरीद ले आपको पता है अच्छा ब्रांड है लेकिन आप गलत जगह से खरीद रहे हो तो हो सकता है कि वो फेक आपके पास आए तो कुछ ब्रांड्स तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली अपने ही वेबसाइट से अपने ही एप्लीकेशन से यू नो सेल करते हैं जैसे कि माइ प्रोटीन लेकिन बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कुछ ब्रांड्स नहीं मिलते आपको उनके डायरेक्ट वेबसाइट से तो आपको इस तरीके की सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म जेनुअन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म से ही खरीदना चाहिए और इनमें से एक है बहुत ही ऑथेंटिक जिसका नाम है न्यूट्रिस्टार ये इंडिया का एक जेनुअन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म है और मैं भी इनके साथ एज ए नॉलेज एंबेसडर एसोसिएटेड हूं न्यूट्रिस्टर एक ऐसा ऑथेंटिक सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन ब्रांड्स भी मिलते हैं और सभी ब्रांड्स और उनके ऑफिशियल इंपोर्टर्स के सर्टिफिकेट्स आपको इनके ऐप आप पर भी देखने को मिल जाएंगे न्यूट्रिस्टार ऐप से सप्लीमेंट परचेस करने पे आपको एक बात की तो श्योरिटी मिलती है कि ऑथेंटिक सप्लीमेंट ही मिलेगा विद प्रॉपर जीएसटी बिल वैलिड इंपोर्टर एमआरपी स्टीकर एक्सपायरी डेट और लॉट नंबर जो आप इंपोर्टर या फिर सीधे ब्रांड से भी वेरीफाई कर सकते हैं एक अच्छी बात यह कि प्राइस भी बहुत ही कंपेटेटिव मिलेंगे आपको इस प्लेटफॉर्म में विथ फास्ट डिलीवरी पैन इंडिया इसके साथ साथ न्यूट्रिस्टार ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए हर प्रोडक्ट परचेस करने से पहले ही उसकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है आप न्यूट्रिस्टार ऐप को डाउनलोड करके लेटेस्ट डिस्काउंट्स और ऑफर भी चेक कर सकते हैं साथ ही साथ आप वेबसाइट से भी परचेजिंग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है यू कैन गो एंड चेक इट आउट अब देखिए जब आपको यह पता चल जाता है कि भाई जेनुअन सप्लीमेंट ब्रांड कौन सा है उसके साथ साथ कौन से सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म से मुझे खरीदना है तो आप आधी पारी जो है वो जीत चुके हो अब ध्यान ये दीजिए कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका डोसेज का पता नहीं चलता जैसे कि विटमिनस एंड मिनरल्स काफ़ी सारे लोग विटमिनस और मिनरल्स इतने ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स होने लगती है कि भाई किसी चीज़ की कमी हो जाए या किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाए अब इस केस में क्या होता है पहले समझिए विटमिनस एंड मिनरल्स होते क्या है ये माइक्रोन्यूट्रियस हैं और जब आप इनको मल्टीविटमिन के थ्रू सप्लीमेंट के थ्रू लेते हो अपनी डाइट में तो कभी कभी या तो इनकी कमी होती है ज़्यादातर तो कमी होती है तभी हम लेते हैं लेकिन कभी कभी ये मात्रा बहुत बढ़ जाती है किस केस में जो बिल्कुल भी बॉक्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते जब पीछे बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक एवरेज एडल्ट इंसान एक या दो कैप्सूल सर्विंग उसकी कंज्यूम करेगा तो आप पाँच पाँच छः छह गोलियां क्यों खा रहे हो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो मजे के लिए विटामिन सी की टैबलेट्स खाते रहते हैं दिन भर पता नहीं वो कौन सा ब्रांड आता है वो लिमसी करके वो दिन भर चबाते रहते हैं अरे भाई विटामिन सी इतना मत खाओ आपके दूसरे जो विटामिन है उनकी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो जाएगी आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी विटामिन सी की और आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे जानबूझ के नहीं खाना होता अगर आप दिन भर में विटमिन ले रहे हो अपनी डाइट से जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स इतने सारे वैरायटी ऑफ फूड से जब ले रहे हो खा रहे हो तो एक लिमिटेड डोज में ही सप्लीमेंट से लो सप्लीमेंट है वो आपका मील रिप्लेसमेंट नहीं होता तो ये खुद से भी हमें समझना होता है आप अगर एक एक्टिव इंसान हो एक एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका वर्कआउट करते करते हो करते हो ट्रेनिंग तो, तो डेफिनेटली आप वहां पे अगर एक मल्टीविटामिन ऐड कर रहे हो जिसमें आपको एंड मिनरल्स मिल रहे हैं विटामिन में आपको फैट सॉल्यूबल विटमिन एंड वाटर सोल्यूबल विटमिन मिल रहे हैं तो वो आपको चाहिए क्योंकि खासकर वाटर विटामिन आपको डेली चाहिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट होते हैं थ्रू यूरिनेशन स्वेट विटामिन जो आपके फैट सॉलिबल विटमिन हैं वो भी चाहिए उनकी अमाउंट थोड़ी कम चाहिए होती है क्योंकि वो बॉडी में स्टोर होते हैं लेकिन चाहिए जरूर और फूड से कभी कभी हम उसको नहीं ले पाते एक्टिव लाइफ वालों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनको कॉन्स्टेंट रिकवरी चाहिए होती है जो मसल टूटता है उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिपेयर बहुत सारे इंटरनल रिपेयर में आपके माइक्रोन्यूट्रीन्स की जरूरत होती है रही बात सेडेंटरी लाइफ वालों की जो वर्कआउट नहीं करते ट्रेनिंग नहीं करते अगर वो एक हेल्दी अच्छी डाइट ऑलरेडी ले रहे हैं तो शायद उनको मल्टीवाइटमिन अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है तो ये समझनी होती है तो मतलब ये बेसिक है, इसके लिए अगर आपको कोई, तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल इश्यूज नहीं है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्टिव लाइफस्टाइल में है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स एक करेक्ट डोसेज में आप यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यह समझिए मतलब कि इट्स ऑल अबाउट दी मॉडरेशन आप कितना ले रहे हो कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में ख़राब ही होगी तो फूड एंड सप्लीमेंट्स डायट्री सप्लीमेंट्स को इस तरीके से ब्लेम करना डायरेक्टली कि भाई इससे लिवर ख़राब हो जाता है दिस इज़ नॉट राइट राइट सो मेक श्योर गाइज अगर आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कोई भी और कंफ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें होती रहनी चाहिए बात होती रहनी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे और भी इस तरीके की वीडियोज़ आप भेज सकते हैं एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन एंड टेक केयर जीत सलाल बाय बाय